हम सबकी लाइफ में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट्स जो थोड़े कम सोशल होते हैं, और एक होते हैं एक्सट्रीमली एंटी सोशल लोग जिनको ज़रा भी अटेंशन पसंद नहीं। एंड जो मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं दे नो कि मेरी लाइफ में उत्कल इज दैट गाय। आज उत्कल ब्लॉग ऐसा चलता है who recently turned 21 on 16th of October. And how do you surprise a guy who shies away at the slightest hint of attention? Well, you obviously put him on a cringy 30 feet billboard on the main highway of the city. पर कहानी शुरू ऐसे नहीं हुई थी। इस स्टोरी की शुरुआत हुई थी एक मीम से। जी हाँ, एक मीम। ये है वो मीम। And we took that a little too seriously. अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे। एक तो कि हम चार पांच छोटे पोस्टर्स लगा दे, या फिर एक ही बड़ा वाला। तो हम चले गए दोनों की प्राइसिंग चेक करने। हम छोटे पोस्टर्स की प्राइसिंग चेक करके घर जा ही रहे थे कि हमें एक बड़ा होर्डिंग दिख गया। अभी हम आए हाईवे पे और हमें दिखाया बिलबोर्ड रौनक एडवर्टाइजिंग का। अभी हम नंबर ट्राई कर रहे हैं कि इसका कितना होता है। बहुत हाई होप्स है हमारे, पर अगर सस्ता हुआ बाय चांस। हेलो, हाँ रौनक एडवर्टाइजिंग। हाँ आपका वो मैंने बिलबोर्ड देखा हाईवे पे। अभी अप्रॉक्स बता दो ना कितना होगा। अच्छा, पर डे का है क्या ये? पर मंथ? अगर डे या थोड़ा कुछ घंटों के लिए लगाना है तो ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन बाय एनी चांस? तो उसका अप्रोक्स कितना होगा? ज्यादा एस्केलेट हो रहा है अभी ये। मूविंग ट्रैफिक मतलब कम से कम 10,000 लोगों को पता रहेगा उत्कल का बर्थडे। 5 minutes later. जहाँ भी जा रहे हैं स्वर्णिम सिर्फ एडवर्टाइजर्स को स्पॉट कर रहा है। अभी हम आ रहे थे हाईवे से बेलापुर और सर्कल पे हमें वो दिख गया एसएस आउटडोर मीडिया सॉल्यूशन। तो अब ये बेटर स्पॉट है क्योंकि हम यहाँ गाड़ी रुका के ब्लॉक कर सकते, रिएक्शन ले सकते, वो हाईवे पे नहीं कर सकते। पर ये बहुत बड़ा है उससे, तो इसका कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा। तो अभी हम पता कर रहे हैं उनको कॉल करके कॉस्ट क्या है। वो ऐसा ही अभी बहुत अजीब लगे आपको सुन के, पर एक दिन के लिए बर्थडे का रखना था पोस्टर। इसके लिए? आप कॉस्ट बता सकते हो क्या कितना है अप्रॉक्स? क्या क्या वो तो ऐसा बर्थडे के लिए पोस्टर लगाना था एक फ्रेंड के लिए। आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, इसके लिए एक दिन का ही रेट पूछ रहा था मैं। पर अगर आप हाँ अगर आप बता सकते तो बहुत हेल्प हो जाती। ठीक है चलेगा, 16 तारीख के लिए चाहिए था। मैं आपको थोड़ी देर में कल तक कंफर्म बताता हूँ। नो डोंट टेल मी, मैं मेंटली कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ तेरे एक्साइटमेंट के साथ। अब इस लोकेशन पे दिल तो आ गया था, बट मेरे अकेले का बजट उतना नहीं था। एंड द ओनली वे टू पुल दिस ऑफ वॉज अगर सारे दोस्त मिलके कंट्रीब्यूट करते। तो ये जो बोर्ड है ना, ये अपना बेलापुर वाला ये एसएस आउटडोर का जो बोर्ड दिख रहा है देखो। हां सिंको बन के हां वो वाला मिल जाएंगे। क्या पका रहा है? और ऐसा पोस्टर लगाएंगे डर के फटी सबसे तो यहां। क्या पका रहा है? Now after sorting out the budget and the location, the next step was designing the poster. अब हमने जो पोस्टर बनाया था वो होर्डिंग वाले भैया ने रिजेक्ट कर दिया और हमें भेज दिया उनके प्रिंटर के पास जो अपेरेंटली एक डिजाइनर भी थे। हमारे पास भैया ने तीन ऑप्शन बना के दिए, लाइट मीडियम और डार्क। अभी हमें फिगर आउट करना है कौन सा अच्छा लग रहा है। अभी हम थोड़ा फोटोज चेंज करा रहे हैं। ये वाला जो है ना, ये वाले की जगह फ़ोन पे बात करने वाला लगा रहे हैं हम। रिप्लेस हो चुका है और फोन वाला काफ़ी बेटर दिखते हुए। ठीक है फोन वाला ही फाइनल कर दो भैया, क्या बोलते हो आप बताओ। अभी हमने बहुत खुशी के साथ प्रिंट करने दे दिया है और प्रिंट हो जाएगा वो एक घंटे बाद। और रिक्वेस्ट किए भैया को थोड़ी कि आज रात को ही लगा दो कि सुबह देखना है हमें, तो सुबह लगा देंगे। नहीं रात को लगा देंगे, तो रात को देखते अपन कैसा लगता है लगाते। ओ मेरा साथी मेरे साथ ना,
काटे ना काटे रे ना रे। सुबह के 6 बज रहे हैं, 16 तक बज रहे हैं, आज इनका टैक्सी भी पहुंचते हैं और 6 बजे ऑलरेडी लग चुकी है और बहुत ही फनी लग रही है जा रहे। 8 बजे के आसपास हम बाकी दोस्तों को भी हमने इधर बुलाया है साथ ना तो सुन लेना तू है मेरा रफी मानो ना मेरे कभी बात हबीब ओ दिन रात यू ही पे खुल ले अबे अबे अब जाने दो बातें कहां तो तेरी याद तो बिगाड़ी लो आते हैं ना उधर इसको इधर रुकने बोला था हाईवे पे ऐसे कैसे आए ना बताए और चल बड़ी पीछे कर रहा है भाई ये इधर क्यों रुकाया भाई पुलिस स्टेशन वगैरह चार पांच गाड़ी आई है एक स्कूटी बाइक